ये टाइगर का फुटप्रिंट है। Oh my God, तो कुछ लोग ही है जो यहाँ पे ढंग से गाड़ी चलाते हैं। होटल में रुको, मैंने ऐसा व्यू कोई होटल का नहीं देखा। Hi guys, what's up? वेलकम टू श्रेयाना व्लॉग। और हमारा ये सबसे इम्प्रॉम्प्ट प्लान है। एक मिनट बचपन में घर वाला चप्पल पहन कर बात क्या गाइस, बाय द वे सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलनी है जो मैं और श्रेया इतने टाइम से ब्लॉग, वी वर स्टक इन सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी कुडंट लेट इट बी। अब जो हो गया सो हो गया। हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम में थे जिसमें मतलब मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, सो लेट इट बी। अभी वो चीज के बारे में बात भी नहीं करना मुझे, इसके लिए इतने दिन ब्लॉग नहीं हो पाया। एनीवे, तो अभी हमारा सबसे इम्प्रॉम्प्ट प्लान है रात के 4 बजे और हम सुबह के 4:30 बजे कहाँ पे है हम लोग, उनको क्या? अभी हम नोएडा में है मेरी बहन के घर पे, शनायक पे। और हम अभी जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। मैं बोला हिमाचल चल रहे, इसमें मेरी साली ने मुझे धोखा दिया। वो भरोसा लाए, मतलब वो मतलब वो मैं क्या बोलूं, मेरे को बोलना ही नहीं है। पहले मेरे को लगा ये लोग ने, मैंने बोला कि चलो भाई चिट्टी विट्टी बनाओ प्रॉपर ऐसा। तो हमने चार जगह लाइक वी वर आउट फॉर डिनर, जिम कॉर्बेट और शिमला। हमारे पास चार ऑप्शन था और शनाया ने ना सारे चिट में जिम कॉर्बेट डाल दिया, बिकॉज हम दोनों का बहुत ज्यादा। और मैं एकदम अच्छे से जिम कॉर्बेट, मेरे को लगा भाई ये तो सच में गॉड साइन है। और उसके बाद श्रेया ने भी निकाला, उसने भी सेम निकाला। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, जिम कॉर्बेट ही जाना है, मतलब ऐसी चीज है। बाद में मेरे को इसने बताया कि जो मेरी साली साहिबा है उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैंने बोला ठीक है बेटा, मेरा भी टाइम आएगा, चलो नेवर माइंड, वी हैव नेवर बीन टू जिम कॉर्बेट। हम बाकी सब जगह गए बट जिम कॉर्बेट नहीं गए। अरे क्या जिम कॉर्बेट नहीं गए यार, मैं वहाँ पे जानवर को देखूंगा। मैं जानवर के साथ इतने साल से हूँ, मैं हर दिन देखता हूँ अपने घर में क्या इसी जानवर। Thanks to Big Boy Toys. Thanks to Jatin. And Ritika. So we are going in this beast. Crazy car guys. Matlab maza aa gaya. What a crazy Land Cruiser. It's a V8. Very powerful. All thanks to my brother Jatin. Insane car. Ye aa gaya mera sala. Isko to aap log jante ho, pehle bhi vlog mein aa chuka hai. कितनी बार हाई गाइस बोलेगी बे। हाँ चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो, जाओ चाबी निकालो, भी एक्स्ट्रा ब्लेड लेके आ जाना भाई, प्लीज बहुत गर्म है भाई। अच्छा अच्छा, मेरे पास टिश्यू पेपर है, देखो इनको घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही भूख लग जाती है। अरे नहीं ये लो टिश्यू पेपर से गर्म थोड़े हो। मेरे हाथ में दो यार, लाओ दो मेरे हाथ में दो यार, हमें को ठीक हो। यस, तो हम पिज्जा पराठा खाने आए बिकॉज अमित को क्रेविंग हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पर आकर के पराठा ही खाने लग गए। हम लोग पिज्जा पराठा परांठे, ब्रो परांठे, ट्राई दिस, इट इज वर्थ इट, यू शुड ट्राई। ऐसा बड़ी अंग्रेजी में बात कर रहा है वे। हाँ ऐसे कभी बात नहीं करता इंग्लिश में, जैसे ब्लॉग चालू हो गए सब इंग्लिश निकल। अरे भाई दोनों पराठे तुम लोग ही खा रहे हो, हमारा पराठा कहाँ है? अरे भैया इधर लाओ हमारा खाना। गिराना मत दीदी खाली गाड़ी में, ये जानवर लोग है। एक मिनट गाइस केयरफुल, ये इनका इनका बजट बढ़ता जा रहा है, प्लेट छोटा होता जा रहा है। और तुम ओ, फ्लैश मार लो यार, एक काम करो, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो खाना खा रहा है भाई। खाना नहीं पराठे तो खाना नहीं हुआ, पराठा भाई ये लो। थैंक यू भैया, अभी तो ठंडा हो गया। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? उसका जो आप अलग करोगे? हाँ तो दोनों का अलग स्कैनर ले आना, ठीक है भाई मेरा कर। ये भी सही है। और उसके बाद आप भाग गए, आपने कोल्ड कॉफी लाई नहीं, फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरे साथ तो धोखा हो जाएगा। कॉश उसका कैश करूँगा, इसे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। मैं ना गंदे से प्रोमो में चली गई, मुझे भूख लगी और ये लोग मुझे कुछ खाने नहीं दे रहे। सबने ठूस लिया, मुझे एक भी पीस नहीं मिला है। और एक बार शर्म भी नहीं आई कि बीवी से पूछ लूं? नहीं नहीं मत खाश, मुझे क्या है? कॉफी चाहिए? नहीं चाहिए। सब खत्म करने के बाद क्या खाओगी घटिया लोग?
इसने सजेस्ट किया जगह पीजी शिवम। शिवम ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। पिज्जा पराठा मिलता है इधर का टेस्टी, सब कुछ इधर का टेस्टी है। आप आओ यहाँ पर, रात में फुल टाइम खुला रहता है नोएडा में सेक्टर 16 में। ऐसे लफंगों के लिए सेक्टर 16 नोएडा, ये जो शिवम जैसे लफंगे है ना, पीजा अमूल बटर लेना मत भूलना। हाँ अमूल बटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ का पिज्जा पराठा ट्राई करना। पिज्जा पराठा इज मस्ट। हाँ बस यही बोलना, और अमूल बटर। अब हमने तो खा लिया है, हमारा रो हो गया। अब चले जिम कॉर्बेट, लेट्स गो। आई एम सो एक्साइटेड। इट्स अ वेरी स्पेशल डिश यार, ये मैंने आज तक और कहीं नहीं सुना था इसके पहले। पिज्जा पराठा ना, पिज्जा पराठा इज एक्चुअली अमेजिंग। मुझे बस एक स्लाइस मिला यार। और खाना है? नहीं आई एम गुड। पैक करा के रख मैं नहीं, बट मैं गाड़ी में एक्चुअली खा के बैठ नहीं सकती। नहीं आई थिंक आई एम गुड। अभी व्लॉग के लिए नहीं, रियल में पूछो। रियल में रियल में ठीक है, एक दो पैक करा, दो मेरे लिए पैक करा। दो पैक करा दो। एक्चुअली पता है पिज्जा पराठा टेस्ट कर लिया, ट्राई हो गया। नहीं एक पिज्जा पराठा मैं बोल रहा हूँ, रास्ते में इतने क्रेजी क्रेजी ढाबा है ना, आप फ्लिप हो जाओगे। ऋषिकेश वाला रोड ना, क्रेजी ढाबा है, ठीक है ढाबा बहुत यार। वो उनको स्कैनर लेके चलो 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 चलो, लेट अस गो मैन। यू डोंट यू बीप डाल देंगे मुझे ना वही मैकलेन और फरारी यहाँ पे लानी चाहिए। और पेट हाउस में दोनों गाड़ी पार्क कर देना, ठीक है? नहीं एक्चुअली मतलब लिफ्ट ज्यादा ना यहाँ पे बहुत सारा वो। नहीं नो आई एम सेइंग कीपिंग अ जोक असाइड गाइस, यहाँ पे ना एक्चुअली गाड़ी का ना मतलब वैल्यू कर सकते हो। यू कैन you know have better roads compared to Mumbai, less traffic. Now, see traffic still fine but the potholes are not fine. But I'm telling you one thing about this place is one thing bad about this place that people over here they don't have driving sense. Driving sense you cannot drive fast in a particular lane. नहीं यहाँ पे तो ड्राइविंग सेंस है ही नहीं। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी ये बात ब्लॉग में बताई है कि यूपी दिल्ली ये सब में तो ड्राइविंग सेंस कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पे ढंग से गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग अगर हटा दो तो यहाँ पे कोई गाड़ी ढंग से नहीं चलाता। कुछ लोग खाली हैं जो ऐसे ढंग का गाड़ी चलाते हैं। That is very true. Speeding is not safe here. Speeding क्या? Driving at a normal speed also, जिस हिसाब का road है, अगर 80 पे भी जाओ तब भी safe नहीं है। Because मैं बोला था guys, ये सब रास्ते पे जब आप कोई McLaren या Ferrari चलाओगे तो you can actually respect it because roads are very like I have no words, मतलब इतने अच्छे roads हैं। योगी जी का area है। मैं ये जगह पहली बार, मैं ये road पे पहली बार नहीं, दूसरी बार चलाया हूँ। I remember last year 2021 या उसमें मैं रोड पे आ भी चुका। उस टाइम नया नया बना था, लाइट्स भी उतने नहीं थे। नहीं रोड तो ये टाइम हो गया, काफी हो गया, बट काफी अच्छा रोड है गाइस। एक ही प्रॉब्लम है बस मेरे को। ब्रो लास्ट टाइम हम लोग वहां पर गए थे गुड़गांव साइड का साइबर अम्बाला, वो भी ऐसा ही रोड है। हां हां वो तो बहुत अच्छा है, बस मेरा एक ही खाली यहां से प्रॉब्लम है जो यूपी दिल्ली में मुझे एक ही चीज अच्छा लगा कि यहां पे कुछ लोग, मैं नहीं बोला सब, बहुत लोग हैं जो सही भी गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी मतलब हल्का अजीब चलाते हैं, मतलब रॉन्ग साइड आ जाते हैं। क्या वो तो यू टर्न पे रॉन्ग साइड आ रहे थे यार, एकदम ब्लाइंड टर्न पे। द वर्स्ट पार्ट इज सॉरी भी नहीं बोलता। हां मैं एटीट्यूड दिखा के पूछोगे क्यों भाई, तब तो फिर बस वही ना, कोई मतलब उनको कोई ऐसा है ही नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम ऐसा है कि भाई मैं ही हूं यहां का किंग। पता है दिल्ली एग्जिट करते ही ना फॉग ज्यादा हो रहा है। हाँ हल्का फॉग कंपैरेटिवली ब्रीज हो चुका है दिल्ली एग्जिट पे। भाई शनाया मैडम तो मस्त सो गई है, अभी से खराटे शुरू हो गए। अरे ठीक है भाई लगा दो, अब रिवर्स में ही लगा दो ना भाई, रिवर्स में ही लगा दो। निकले हुए 10 मिनट नहीं हुआ है, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 10 मिनट और ये लोग ने वापस दूसरा बैठ सो रही हो। हाँ, ये शनाया सिंह तो अभी भी सो रही है। सबका एक एक काम दे देते, निकले हुए कम से कम एक घंटा हो गया। मेरा जीजा गाड़ी चलाएगा, हम रास्ता बताएंगे। दीदी तुम क्या करोगी? एक मिनट ब्लॉग बंद करो। अच्छा ब्लॉग कब शुरू हुआ? ब्लॉग हो रहा है, ब्लॉग हो रहा है। अरे तो ब्लॉग हो रहा है भाई, बोलना चाहिए ना कि ब्लॉग हो रहा है। नहीं नहीं एक मिनट जल्दी से ब्लॉग बंद किया जाए। अभी ब्लॉग एकदम ऑन रखना, ब्लॉग बंद ही मत करना, पहले हमको गाड़ी से उतरने दो। नहीं नहीं रुक ना तू, एक सेकंड। इसे हम गाड़ी में ही छोड़ रहे हैं। निकले हुए हमें बस एक घंटे हुए और हमने वापस दूसरा पिट स्टॉप ले लिया क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा और एस्थेटिक सा लगा ये चाय वाला जगह, तो हम चाय पीने वापस रुक गए। तो वो ठंडी नहीं लग रही इडियट, हाफ पैंट में घूम। इट्स सच अ नाइस प्लेस दो। चाय ब्रेक चलाया। लोलजी पोलजी पांडा एक मिनट पकड़ो ना गाइस,
हालत एकदम खराब हो चुकी है। ठंडे में एकदम गर्म पकड़ने का अभी साइड पे डाल दे इसी बहाने। हाँ हाँ करेगा हाँ चले अब मारूंगा ना बहुत ठंड लग रही है। एक मिनट चाय पकड़ लो यार किराया को उठाना है। सो गाइस हालत टाइट हो चुकी है। अभी हम लोग ने एक टी ब्रेक लिया है। यहाँ पे इतनी ठंडी है गाइस इतनी ठंडी है मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ इतनी ठंडी है। अभी हम लोग को एक घंटा हुआ है 200 किलोमीटर अभी भी बाकी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके कवर अप करूँ बट गाइस इतना फॉग है ना इतना रिस्की है यहाँ पे कार चलाना। देखो मैं सोच रहा हूँ चमचा दूँ बट जैसे ही चमचा देता हूँ फॉग आ जाता है। फॉग भी कैसा एकदम सडन फॉग आ जाता है तो इट बिकम्स वेरी रिस्की। कैसा लगा चाय पी के? अच्छा लगा फ्रेश लगा बहुत फ्रेश। अब ये दूसरा कप चाय है। ये तो है ही एक गधा महाशय। एक मेरी साली है जो मालूम नहीं कार में ही सो गई। उसको चाय के लिए बुलाया तो चाय भी नहीं पिया मैडम ने। अभी उसको उठाऊंगा तो मुंह बना लेगी। मतलब मेरे से तो नहीं बनाएगी दूसरे लोग उठाएंगे तो मुंह बना लेगी। हल्का सा भाई ट्राई करो हल्का सा उठाने का। हल्का ब्लॉग पे दिखाता हूँ कैसे गाली पड़ता है। We have stopped this crazy place. मस्त जगह पे रुके हैं अपन। So चलते हैं गाइस अभी निकलते हैं। Continuously अपन को पार्किंग लाइट ढूंढ करके गाड़ी चलाना पड़ा है। कभी भी बीच में फॉग आया है। फाइनली हल्का सा बिकॉज ऑफ सन ये मोस्टली हल्का सा कम हो जाएगा फॉग। एक घंटे में तो गायब हो जाना चाहिए बट भाई साहब अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब मैं एक ऐसे पैच में आया जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ 2 hours 30 minutes समथिंग लाइक दैट बाकी है जिम को। एंड जबकि किलोमीटर इतना है नहीं। आई डोंट नो व्हाई इतना टाइम लग रहा है। इतना किलोमीटर है बट ठीक है। रोड्स तो अच्छे हैं बट ये फॉग अच्छे नहीं है। मतलब अभी एक बीच में ऐसा जिसमें कुछ दिखा नहीं मुझे। वो तो मैंने जजमेंट पे चलाया नॉट गुड नॉट गुड। आई फील ये टाइमिंग सही नहीं है कहीं भी निकलने के लिए। बेस्ट टाइमिंग आई थिंक या तो आप धूप के टाइम पे निकलो या तो आप रात को निकलो जो हल्का अर्ली हो 9-10 बजे सुबह के टाइम में। इट्स वेरी लाइक दिस इफ यू कैन सी। देखो अभी आएगा फॉग कैसे आ रहा है। गाड़ी गायब हो जाएगी 2 सेकंड में। बस गाड़ी ये तो तभी नॉर्मल है इसमें सब कुछ विबल है। एक पे तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो पैच भी गायब हो गए। पैच हो गया पीछे दो लोग हैं। ठीक है गाइस मिलते हैं फिर हल्के साथ। सो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ 1 घंटे के अंदर हम लोग पहुंचने वाले हैं जिम कॉर्बेट। कौन सा होटल बुक किया भाई आपने बता दो हल्का। पूरे टाइम तो सोए कम कम तब से तो सोए हुए हैं। बस खाली सोए हुए हैं बस इनको वही चाहिए। क्या ही काम है मैं तो सुबह उठी हुई तो अभी भी सोई भी लग घूमड़ी। उसका तो हमें क्या ही बोलूं। हाँ जी बताइए तुम कहाँ जा रहे हो। ताज कॉर्बेट। Yes. तो अपने फेस पे पूरा फोकस लेके मेरे को काला का लूटा दिखा रहा है यार। अभी तो है जो है भाई। Stop being racist, guys. Hi. Stop with this racism. तो good morning, guys. Yes, it's 8:30 right now. हमारे ATA बता रहा है कुछ 9:20 something वैसा कुछ ATA है। हाँ, तुम लोग 50 बार तो रास्ते में रुके हो पता नहीं क्यों। तो 50 बार रास्ता। 50 बार, 50 बार, हाँ सीधा 50 बार। 50 घंटे के रास्ते में। 50 घंटे के रास्ते में 50 बार हम रुक गए। चलो ठीक है इसका तो हल्का हैबिट है जो हल्का सबसे है ना ऊपर। बट गाइस सच्ची बताऊं कुछ ज्यादा ही अनफिल्टर्ड ब्लॉग बन रहा है पर ठीक है चलो कोई नहीं। मुझे ना बहुत ज्यादा चाय पी पी के आसी। आपको मालूम है गाइस हम लोग एक इतने घटिया रोड में आ गए थे बीच में। साला ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरे बॉडी का मसाज हो गया है। साले एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से सीधा मतलब अजीब सा ही कोई रोड में आ गए थे। बट फाइनली हम लोग फाइनली अच्छे रोड में आए। हम लोग को फाइनली अच्छा रोड मिला बट वो कुछ कितना किलोमीटर का पैच था वैसा बोल के गूगल मैप के दिया था 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से जब घूमना था ना तो फिर वापस जब 5 किलोमीटर बाद घूमे तो उससे भी खराब रोड में चलो कोई नहीं कोई नहीं। अभी 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 सब कुछ एकदम मस्त होने वाला है। अभी कुछ यहाँ पर 40 की भाई आपको तो मैंने पहले बताया फॉग इतना था कुछ चला तो मैं आता दिख तुझे नहीं आता। तू तो मस्त हुई थी। तू ड्राइव करता तो नींद आ जाती है। हाँ 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 किसी और की ड्राइविंग में थोड़ा सा एंशियसनेस होता है। सही बात है। हाँ आप लोग मस्त सो रहे थे रास्ता खराब था उसके बाद मेरी ड्राइविंग में उठे।
और उसके बाद अभी पहुंच गए मैं साला। हेलो हेलो गाइस, वापस अभी एक ही ब्लॉग में तीन बार। अभी ये कहाँ चला है इस टाइम से? और जब पता नहीं मेरा नक्स तो है जब से गंदा रोड आने वाला होता है, उसके पता नहीं तो है तुम्हारा कुछ नहीं। जीजू चला रहे थे कि 27 किलोमीटर बाद ना हम लोग का एग्जिट लेना था, ये अमित का ट्रिक है। तो 16 किलोमीटर तो मैं चलाया मस्त अच्छे से, जो एग्जिट लिया ना तो मेरे को लगा कि ठीक है 4-5 किलोमीटर का होगा पैच, उसमें लिखा भी होता 4 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन यू हैव टू टर्न राइट। बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा रास्ता खराब था, फिर 4 किलोमीटर बाद जब लेफ्ट लिया ना भाई तो फिर 27 किलोमीटर स्ट्रेच। लेकिन लेफ्ट तो लेना ही नहीं था, राइट लेना था, राइट लिया ना भाई। एक्चुअली क्या हो गया था कि मैं ही चलाने वाले का प्लान मेरा ऐसा था कि मैं ही चला के लेके जाऊंगा, उसको पता चल गया ना, हल्का सा हंच मिल गया कि गंदा रास्ता है। बोलने तो थे एक्चुअली प्लान चेंज, प्लान यही था कि मैं ही चला के ले जाऊंगा, बट फिर क्या सीन हो गया ना कि मुझे बहुत 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 नींद आने लगी। हां शाने सब लोग जब मैं गाड़ी चला रहा था ना मुझे नींद आने लगी, सो रहे थे और जैसे ही रास्ते पे आए ना 1 किलोमीटर बाद सबका मसाज होकर की नींद ऐसी खुला ना। नहीं नहीं मैं तो भाई कम्प्लीटली कभी नहीं सोया, मैं आग तो खुद नोटिस कर, मैं आग खुल रहा था बंद हो रहा था, मेरे को ऐसे नींद नहीं, बट मेरे को ना फॉर सम रीजन ना मेरे को 6-7 के बीच में ना कुछ तो है, मेरे को आँख ऐसा मतलब नींद आ ही जाता है फॉर सम रीजन। तो फिर मैंने बोला शिवम है तो चला लेगा, अच्छे अच्छे से चलाया इसने काफी, एंड अभी कुछ टाइम और लगेगा फिर हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर आप लोग अभी पहुंच के दिखाते हैं। अभी हम लोग आई गेस काशीपुर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी रामनगर पहुंचने का अपने को, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। क्रॉस कर जिम कॉर्बेट पहुंच रहे, हाँ तो जिम कॉर्बेट रामनगर में है। अच्छा रामनगर, यस। चलो गाइस फिर मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय। ओह माय गॉश गाइस ऑलमोस्ट पहुंच गए, 6 मिनट बाकी है अभी, बट अमेजिंग अभी से क्रेजी सी वाइब आ रही है। आपका ये देखो हम जिम कॉर्बेट पहुंच गए, अभी जस्ट पहुंचे और ये सीन है। वाह क्या सीन है, और हल्का सा प्रेस के बोल ले बिकॉज़ माइक नहीं लगाया आपने। वो रहा हमारा होटल जिसमें अभी हमें रूम नहीं दिया बिकॉज हम बहुत जल्दी आ गए, बट नेवर माइंड हमें मिल जाएगा। पहले हम इधर आए हैं, सब अपना हाथ पैर धो रहे हैं। क्रेजी व्यू गाइस, क्रेजी व्यू। और उसके बाद फिर अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग होटल पहुंचे हैं। हमारा फर्स्ट थिंग फर्स्ट आते ब्रेकफास्ट, हालत टाइट हो चुका है, बट क्रेजी होटल मैन, लव द व्यू यार। मैं लाइफ में इतने होटल में रुका हूं, मैंने ऐसा व्यू कोई होटल का नहीं देखा। मोनाको में भी ऐसा, ब्रो कम ऑन यार, वी शुड ना एवरी होटल इज गुड इन देयर ओन, नो बट दिस इज समथिंग एल्स। या इट हैज अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव वाइब, व्हाट डू यू ऑल हैव टू से। हर अच्छी जगह से पॉजिटिव वाइब आ जाती है। हां महंगी होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। मस्ती करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को दे दिया लाके, देखो ये सब मैंने नहीं खाना है, ये सब उसने खाना है। उसने खाना है, वो लैंग्वेज खाना है। तू जहाँ जाता है वैसा बन जाता है ना 2 दिन में। हाँ, तू कमेलियन है पता है। ज्यादा बोल मत नहीं तो ये मुंह में घुसा दूंगा तेरे। कोर्सोन कोस्टा कॉफी, कोस्टा इवन कोस्टा कॉफी। शिवम अभी रास्ते पर ये क्या कर रहा था? तुम लोग को फॉग में ड्राइव करने के बाद, बम्पी ग्रम्पी रोड पे ड्राइव करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है इधर आके? इज इट वर्थ इट? अरे बुक करो, बोलो तो क्या? भाड़ में जाओ। चलो अभी के लिए बस इतना ही, हमें अभी तक रूम्स नहीं मिले। दिखा दिया सिमिलर जो ऊटी में जैसा रूम था ना वैसा लग रहा है, बट मोर ऑफ या ये लोग कहाँ चलेंगे? The room. It's pretty nice.
wow. This is garden view. We slept, शाम के अभी 5:30-6 बज रहे और अभी हम उठ के हाइट ही करने आ गए। मैं इसलिए उठा क्योंकि इसने मुझे लात मारा नींद में। आधे टाइम खाली खाना और चाय दिखा रहे। खाना चाय और सोना ब्रो। सोना तो नहीं दिखा रहे बट हम सो रहे। हम लोग व्लॉग शूट किए थे खाते वक्त ब्रेकफास्ट के वक्त और अभी हम लोग व्लॉग कर रहे हैं। ओके वहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है देखो। अमित वाज लाइक देखो जहाँ पे अंकल आंटी बैठते मैं वहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो वी आर द ओनली वन सिटिंग हियर इतनी ठंडी में। गाइस कल क्रेजी क्रेजी चीजें होने वाली है। दैट एडवेंचर इज गोना बी लाइक एपिक। मतलब वहाँ वेयर आर वी गोइंग? ढिंकाना? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। सबने तो मुझे बोला ढिकाला जाने के लिए बट आई गेस इट्स नॉट ढिकाला, इट्स समथिंग एल्स। बट उन्होंने बताया है कि वहाँ पे तो स्पॉटिंग हो ही जाएगा एंड कल सुबह 6 बजे हमको जाना है। सेम लाइक घे उस टाइम पे अक्टूबर में हम लोग गए थे घे फॉर, 6 बजे हमारी फट गया, मतलब हालत खराब हो गई थी। और यहाँ पे तो भाई अलग ही ठंडा है। अमित खाना ठंडा हो रहा है। 3.5-4 घंटे लगेंगे, मजा आ जाएगा कल। बात तो सही है। लेट्स गो। चलो अब हम वापस खा के थोड़ा घूमेंगे और फिर वापस खाना खाएंगे। एंड ट्राई करते हैं रोड पे गाड़ी चला के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कहीं एक दो हमको ऐसे टाइगर दिख जाए। चलो उसके बाद चलो। डन भाई ने बीबी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेल गुड आफ्टरनून। हम सुबह के 6 बजे जाने वाले थे बट अब कोई उठा ही नहीं। एक मिनट, मैं उठ गया था, मैंने सबको उठाया, कोई उठा नहीं। अच्छा सो गया? ओह ओह, तूने बोला भी नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे 6 बजे का फ्लाइट भी छोड़ा था बट नेवर माइंड। हाँ तो अब हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। सेकंड डे, ये तो बता दे। कल हमने बस खाया पिया रोया बस ये किया और गेम्स खेले और अब हम जंगल सफारी करने जा रहे हैं। यस सर, एंड होपफुली वी कैन सी समथिंग। एक को तो मैं हमेशा देखता हूँ, आज मैं कुछ और को भी देख लूँ। डिफरेंट डिफरेंट तेंदुआ। एक तो क्या 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 कुछ नहीं। I know you guys got it. अभी चलते हैं। ज्यादा मत बन की। चलो पैसे तो पेंडा ही लगी। बात पे हाँ जी। अरे यार वो आदमी वेट कर रहा है, कितना टाइम लगाओगे यार। लूंगा कार्ड लिया। ये हमारा होटल है, दिन में ऐसा दिखता है। जानवर जंगल में जा रहे कुछ क्या क्या चल रहे यार, क्या बात कर। अरे तो दिस रॉन्ग बिहेवियर है। हम लोग इतना मैं और चनाया सुबह से वेट कर रहे हैं। लॉल मैं सबको इधर उठाई हूँ, अभी कोई नहाया भी नहीं है। लेट इट बी, मैनिफेस्ट कौन करता है। हाँ जी दोनों रूम 215 और 214। वो शिवम को भी क्लीन कर देना साथ में, वैसे भी नहाता तो है नहीं। देखिए ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ना, रिसेप्शन वो साइड है आई थिंक सो। लेट्स गो जंगल सफारी। ओके ये देखो यहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या ले रहे हैं, फनी लोग। और मैंने तो ये ले लिया, मैं तो और भी फनी बच्चों में ठीक है ना। यस यू लुकिंग नाइस, थैंक यू। मेरे प्रजाति के लोग मिल जाएंगे। इतनी स्मार्ट साली, ये दूरबीन से अपने फोन को देख रही है। इसने दूरबीन इसलिए लिया है अपने फोन को देखने के लिए, इसको दिखता ही नहीं है। बाइनर कैलकुलेटर नहीं, बहुत ये भी सब सफारी के लिए जाने वाले। What money? Take it, honey. क्या नाम है इसका? ओके यस 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 यस। तो हमारे जिम कॉर्बेट में कितने टाइप की, कितने मतलब कितने टाइप की क्या क्या हम यहाँ पे कितने जान अलग अलग कितने ओके जिनमें देखिए कैट बाकी डियर में यहाँ पे सांबर डियर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, बार्जिन डियर हो गया और हॉक डियर हो गया। एलिफेंट भी दिखता ही है, बाकी वाइल्ड बोर हो गया, नीलगाय ज्यादा ही होंगे। और सबका नाम दे रखा है, जैसे नाम नहीं रखे। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। तू मेरे साथ गेम में की जब इतना जगह की रंदम होगी तो डर ही लगा।
नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा अभी तो। सुना क्या देख रहे हो अब में तब से बताओ। दूर दूर तक मैं देखने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा शिवम को, शिवम वो शिवम जो उधर पेड़ गिरा है ना अभी बताया। नहीं नहीं यार वो तो उधर जंगली सुअर दिखा गया आपको किधर? जंगली सुअर नहीं, नहीं हिरन नहीं दिखना चाहिए बस। हिरन नहीं दिखना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। ओ शिट कहीं आग लग गया है। भैया यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है, जंगली जानवर हैं जो दिख नहीं रहे। अच्छा यहाँ पे कितने एलिफेंट्स हैं टोटल? इन टोटल यहाँ पे सर देखिए 1200 प्लस आते हैं पूरे कॉर्बेट में। ओके कॉर्बेट का जो एरिया है ये काफी बड़ा है, 1318 स्क्वायर किलोमीटर में। 1318 ये बाहर हुआ था बाहर से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नहीं और ऐसा कभी जैसे जैसे टाइगर तो लेकिन हल्का हल्का नेचर है, मतलब जैसे जितना मैंने मतलब स्टडी किया टाइगर का तो लेकिन हल्का नेचर है हमला करने का कंपेयर टू लायंस एंड टाइगर। सबसे अग्रेसिव होते हैं ना, जैसे हम लोग टाइगर से डरते हैं वो भी इससे डरता इंसान। ओके अगर हमारी आवाज अगर तो इस बार भी सामने नहीं आएगा तो दूरी बना अपने आप को छिपा के रखता है, तभी इंसान पर हमला करता है जब उसे कोई खतरा लगता है। लेपर्ड्स भी हैं? लेपर्ड है यहाँ पे 112 लेपर्ड है पूरा कॉर्बेट। ओके लेपर्ड तो तेंदुआ एक ही चीता था, चीता यानी है मैं अरे टाइगर लायंस नहीं है आप लोग। हाँ वहाँ गया था ना मैं अभी, वहाँ पे तो काफी एकदम मतलब मैं यहाँ हूँ और वो एकदम सामने इतना डिस्टेंस पे मैंने देखे काफी देखे। उसने उठ के जब हमें देखा ना दो ब्रदर देखे हमें इतना डर लगा जब आई कॉन्टेक्ट हुआ हम लोग मतलब मैं तो हम लोग सब बैठ गए वहाँ पे। नहीं तू अपनी बात कर मेरे को कोई इसमें फर्क नहीं। ये स्पॉटेड डियर्स ना वो लोग क्या कर रहे हैं Netflix and chill कर रहे हैं वो लोग। Of course घास खा रहे हैं। नहीं but dear तो दो गया भाई। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़े जानवर हैं इंसान लोग वो कम है। सही बात। बहुत peaceful है यार, कोई जानवर दिखे चाहे नहीं, very peaceful। ऐसे straight out of the painting लग रहा है sky का color। हाँ sky तो beautiful। और beautiful color palette। That's keeping straight। बेबी एलिफेंट उनके बीच में रहेगा। नूडल्स की तरह रोल करके दे। ओह माय गॉड इधर ही आ रहे हैं। निकल की आवाज की। अरे हाँ देखिए आप। कहाँ? हाँ और उसमें भी टोटल 8 जोन है। हम लोग 8 जोन में से सिर्फ एक ही जोन में सफारी कर रहे हैं, गरजे जोन ठीक है। और 8 जोन में देखिए पहले जो उनके नाम में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ये पहली सफारी है ना। आप अगली बार आए तो किसी सफारी कर डैड के लिए चिड़िया ले चले घर पे। हाँ क्या वो कौन है? हाँ हाँ वो तो वो है ब्रांच पे हरी वाली ब्रांच पे है वो। हाँ हाँ अच्छा वुड पैकर्स। हाँ हाँ वुड पैकर्स की स्टोरी सुनते थे बचपन में याद है इंग्लिश के लैंग्वेज। अच्छा हाँ
कटा हुआ क्यों है? खाली है टाइगर जड़े वाइल्ड बॉयज जंगली सोए एक तो मेरे बाजू में इधर है जंगली सुअर है ये हम लोग एक घर में एक ही जंगली सुअर रख सकते हैं। हाँ ये टाइगर से फाइट कर लेता मैंने सुना है और दे कैन किल ह्यूमन आल्सो बहुत बूढ़ा होते हैं तो बीच में है तुमको कट दिख रहा है अच्छा टेरिटरियल मार्क किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको वैसे मार्क कर दिया कि वो उसका एरिया है वैसा ये पेड़ देखो ये टाइगर का फुटप्रिंट है बहुत फ्रेश लग रहा है आई थिंक हमें जल्दी में देखने मिल जाएगा चांसेस है अरे रोको यार पीछे करो यार किसको दिखा अरे मेरे को नहीं दिखा यार सारा थोड़ा पीछे करो भाई कहाँ को आएगा पीछे करो सारा पीछे करो उसके पीछे चले गया क्रॉस कर लिया उसने उस नाले को पीछे को जा रहा हो पीछे को चले गया पीछे करो वो क्रॉस कर लिया बहुत थक गए हैं फाइनली हमें टाइगर दिख गया वी आर दैट वन लकी लॉट लेजेंड हम सब हमसे पूछ रहे थे आपको टाइगर दिखा एंड ऑल ऑफ दैट हमने तो दो बार टाइगर स्पॉट किया सफारी तूने और मैंने किया उसमें हमको हमेशा कुछ ना कुछ दिखा या सो या चीयर्स टू जिम कॉर्बेट मैडम अपने कॉलेज का असाइनमेंट कर रही है बैठे बैठे इसे तो कॉलेज वाले से कुछ पड़ी ही नहीं है अभी मैं वो सोच रहा हूँ कि इतना चलान कैसे वी आर द लाइट इन सोल ब्ला 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 ये वी आर बैक इट वाज एन अमेजिंग डे हमने फाइनली इतनी रेयर स्पीशीज को देखा जो दुनिया में खाली 4,000 है बट हमने उनमें से आज दो को देखा हमें एक के साथ 3 साल से हो 4 साल अरे यार नहीं शेया के बारे वो तो जंगली सुअर है जंगली सुअर ओके तो अब हम वापस आ गए इधर हाई टी के लिए हमने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया तो ऑफ कोर्स मैगी के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा ऐसे आप लोग को हमारा साइज देख के चारों का तो पता ही चल सकता है हम कितना खाते तो हमारे लिए सुबह से नहीं खाना और शाम के 6 बजना इज वेरी बिग डील एंड लुक एट देम हाई आज पूरा हाई टी का जो बुफे खत्म होने वाला है इनके वजह से Yeah.